अगर कोई फिलिस्तीनियन है, फिलिस्तीनियन से उसको जेरूसलम जाना है, तो जेरूसलम जो है वो इजराइल टेरिटरी के अंदर आता है, तो उनको भाई लिटरली परमिशन लेना पड़ता है। ये एक्चुअली यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे वॉल नहीं हुआ होता तो कैसा पूरा व्यू आया होता। तो मेरी एक लोकल से बात हो रही थी, उसने बताया कि ये वॉल 780 किलोमीटर तक भाई चलता है, ये पूरा वेस्ट बैंक में यार 780 किलोमीटर यार। वेलकम टू माय चैनल एवन, माय नेम विष्णु और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल वंडरिंग मैनियक। स्वागत है आप लोग का मेरे अगले वीडियो में फ्रॉम पैलेस्टाइन। तो फिलहाल गाइस मैं बेथलेहम, जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था मेरे को कि मेरी एक्सपीरियंस लिविंग विद ए क्रिश्चियन अरब फैमिली, बट आज फिलहाल मेरा आखिरी दिन है। तो कल का दिन मैं रुका था उनके साथ एंड उसके बाद आज जो है वो मैं निकलने वाला हूँ बेथलेहम से जेरूसलम के लिए। बट आज जो है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा बेथलेहम शहर के बारे में और क्या चीज़ है बेथलेहम फ़लस्तीन में, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे करने को, क्या क्या चीज़ें हैं आप लोगों को बताने के लिए। तो फिलहाल अभी हम लोग हैं यहाँ पे चर्च ऑफ नेविटी में, जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्टी प्लेस इन ऑल मिडिल ईस्ट। तो मिडिल ईस्ट में आई थिंक, हेलो, आई एम डूइंग गुड, वेयर फ्रॉम? From India. Oh, India. Wow, India. Love India. I love India people. Excuse me. Yes. After this, you can go the taxi driver. No, thank you so much. I'm drive if you need to show you around Bethlehem. Thank you. Thank you so much. तो अगर बता दूं गाइस तो आप लोगों को बेथलेहम जो है, क्योंकि चर्च ऑफ नेविटी है यहाँ पे, तो ये पूरे मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है। दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। इसीलिए आप लोगों ने भीड़ देखी थी लास्ट वीडियो में, जो भीड़ थी भाई लिटरली वह 1.5 घंटा रुकना पड़ा था मेरे को लाइन में यहाँ पे, लिटरली वो जो प्लेस है बर्थ प्लेस जीसस का देखने के लिए। बट एनीवेज भाई, ये प्लेस मैं आप लोग कल भी लेके आया था, बट ये अगेन देख सकते हो फलस्तीनियन पुलिस जो आप लोग यहाँ पे बेथलेहम में देखो, क्योंकि बेथलेहम जो है वो एरिया ए के अंदर आता, जैसे मैंने आप लोग लास्ट वीडियो में कहा था। एंड एरिया ए का मतलब ये है कि ये सारा जो एरिया है ये फलस्तीनियंस कंट्रोल में है, एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत कम इसराइली सोल्जर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को बेथलेहम में ये काफ़ी देखने को मिलेगा कि बहुत सारे ग्रुप में भाई आते हैं टूर ग्रुप्स के साथ, एंड ये सारे चर्च ऑफ नेविटी के लिए ही आते हैं। ये आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा यहाँ पे। टेरिटरीज एरिया ए के अंदर आते हैं, वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें थोड़ी बढ़िया लगेंगी। चलो बढ़िया तो चलो ठीक ही है, बट यहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल तो इजरायली फोर्सेस ही करती है, बट यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ा सा कामर बोल सकते हो आप लोग, अगर मैं आपको एरिया सी से कंपेयर करूँ तो। बाकी आप यहाँ पे भाई सारे रेस्टोरेंट्स आज ओपन देख सकते हो, क्योंकि रमजान जो है वो ख़त्म हो चुका है, एंड कल यहाँ पे ईद थी, एंड आज जो यहाँ पे पहली दिन है ईद के बाद, आई थिंक आज भी सारे लोग आई थिंक छुट्टियाँ मना रहे होंगे, बट थोड़े बहुत शॉप जो है वो आप देख सकते हो खुला है यहाँ पे। अगर आप लोगों को बेथलेहम के बारे में बता दूँगा, बेथलेहम जो है वो जेरूसलम से साउथ में आता है, कुछ अराउंड आधे घंटे की बस राइड है, कुछ 20 से 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड दिस प्लेस इज नोन फॉर द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में चर्च ऑफ नेविटी दिखाई थी, एंड दिस इज प्रोबेबली द प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट वॉज बॉर्न। एंड ये देख लो भाई, आप लोगों हर जगह यहाँ पे क्रिश्चियन क्या बोलते हैं आप लोगों को फोटोज़ वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और जितने भी यहाँ पे टूरिस्टी थिंग्स हैं जो आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो सुवेनियर्स। हाँ जी सुवेनियर्स। हेलो हेलो हेलो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मे आई नो विच साइड आई कैन गो टू सी द वॉल? Straight, go straight all the way. The straight? Yes. Okay, thank you. Okay, तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बेथलेहम को इतना इंटरेस्टिंग बना देती है वो ये है कि यहाँ पे जो वॉल है, जो मैं अभी आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ, यहाँ पे लिटरली यार इन्होंने कुछ 8 मीटर का वॉल बनाया हुआ है इजरायली फोर्सेस ने फलस्तीन और इजरायली साइड को डिवाइड करने के लिए। ये आई थिंक ये जो वॉल है ये हरदम से नहीं रहा है, ये कुछ अराउंड अर्ली 2000s में ये वाला वॉल बना है, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड इसका मैंने थोड़ा बहुत ग्लिम्स आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दिखाया था जब मैं एंटर कर रहा था बेथलेहम। एंड ये सेकंड इंतिफादा बोलते हैं, जो सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हुआ था इनके बीच में ज्यूज और अरब्स के बीच में, वो टाइम पे क्योंकि ज्यूइश लोगों को अपनी सिक्योरिटी की कंसर्न थी और वो बोल रहे थे कि हमारे सेफ्टी के लिए उनको ज़रूरत है कि वो एक वॉल बना दे। तो यहाँ पे एक पेट्रोल पंप देखने को मिल गया गाइस हमको, और पेट्रोल पंप में प्राइस दिखा रहा हूँ आपको तेल का कितना है यहाँ पे। आई थिंक ये डीजल का प्राइस है, आई थिंक हाँ जी डीजल का यहाँ पे है 4.49 शेकल्स लिखा हुआ है। ये वाला शायद डीजल का स्टेशन है, आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे ज़्यादातर कार डीजल की कार होती है। 4. कुछ अराउंड बताया, 4 कितना होता है अराउंड 70 से 80 रुपये, आई थिंक 22 से इंटू कर दो यार, 22 से इंटू करने पे कितना हो जाएगा, कुछ अराउंड हाँ जी वही 80 से 90 रुपये पर लीटर डीजल का प्राइस। आपको और चीज़ बताता हूँ गाइस, यहाँ पे स्पेशली फलस्तीन रीजन में
तो चीज़ों का प्राइजेस है उसमें भी यार ड्रास्टिक चेंज मैंने देखा जेरूसलम से कंपेयर करो। मैंने अभी टेल अविव गया नहीं हूँ बट जितने मैंने लोगों से सुना है कि टेल अविव में भाई जेरूसलम से भी और दुगना प्राइस है। बट अगर मैं कंपेयर करूँ फिलिस्तीनियन चीज़ों के प्राइस स्पेशली फूड, क्योंकि इसराइल में यार सबसे महंगा यार अभी खाना है यार। सही बता रहा हूँ, मैंने जेरूसलम में इतने महंगे महंगे खाने खाए जो यार मैंने लाइफ में कहीं दूसरे प्लेस में नहीं। बट पे फिलिस्तीन के एरिया में यहाँ पे चीज़ों के प्राइस आई थिंक काफ़ी बढ़िया है एंड उतना ज़्यादा महंगा नहीं है जितना जेरूसलम में देखते हैं ऑफकोर्स। एंड यहाँ पे आप लोगों को भाई ये देखने को मिल जाएगा फलस्तीन है, तो यहाँ पे जो नंबर प्लेट है वो ग्रीन में होगा और यहाँ पे पी लिखा होगा, ये फलस्तीन का नंबर प्लेट है। एंड ये वाला नंबर प्लेट की गाड़ी आप जेरूसलम लेके नहीं जा सकते, तो ये बस आप फलस्तीन एरिया में ही इसको घुमा सकते हो। बट अगर आपके पास इसराइली कार है तो आप इधर भी आ सकते हो और जेरूसलम भी जा सकते हो। अगर कोई फलस्तीनियन है फलस्तीनियन से उसको जेरूसलम जाना है तो जेरूसलम जो है वो इसराइली के अंदर आता है एंड इसराइली टेरिटरी के अंदर आता है, तो उनको भाई लिटरली परमिशन लेना पड़ता है एंड वो काफ़ी टीडियस प्रोसेस होता है कि अगर उनको बेथलहम से अगर जेरूसलम भी जाना है तो वो ऐसे जा नहीं सकते, उनको लिटरली पूरा पेपर वर्क लेके फिर जाना पड़ता है उनको। ऐसे अगर उठ के चले जाएंगे तो उनको अलाउ नहीं करेंगे वहाँ पे। एंड इन शॉर्ट अगर बताऊँ तो यार ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है इस चीज़ को, ये मैंने बस खुद ऑब्जर्व करा यहाँ पर ट्रैवल करने के बाद कि यार जो इसराइली लोग हैं और जो ज्यूज़ हैं वो हर कोई चीज़ करने के रेडी हैं अपने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि यार इसके पहले काफ़ी सारे अटैक्स हुए हैं उन पे, हॉलोकॉस्ट हुआ है उन पे। तो आई थिंक ये मैं इसराइली साइड बोल रहा हूँ, अगर मैं कोई इसराइली से बात करूँगा तो वो शायद ये बोलेगा मेरे को। एंड जितने भी मैंने इसराइली लोगों से बात करी आई थिंक यही रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आता है कि यार क्योंकि उन पे इतने सारे अटैक्स हुए हैं, इतने सारे अत्याचार हुए हैं पिछले टाइम पे, तो वो मेक श्योर करते हैं कि यार उन पे और अटैक्स ना हो एंड और उनके सिक्योरिटी के लिए यार वो लोग इतने इतने ख़राब हद तक पहुंच जाते हैं कि लिटरली जो फलस्तीनियन लोग हैं उनको काइंड ऑफ एक जेल में बंद कर दिया है जहां से ये निकल नहीं पा रहे। गाइस तो फाइनली देख सकते हो ये आ गए हम लोग द वॉल जो बेथलहम पैलेस्टाइन और जो इजरायली साइड को डिवाइड करता है। ये वॉल की साइज देख सकते हो कम से कम 8 से 10 फीट की दीवार लग रही है मेरे को, ये ज़्यादा भी हो सकती है। एंड यार यहाँ पे अलग अलग किस्म के आप लोग को यार वॉल आर्ट देखने को मिल जाएगा। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोर्ट्स जो आई थिंक दुनिया भर में काफ़ी फेमस है, मेक होमस नॉट वॉल्स। एंड यहाँ पे एक फलस्तीनियन झंडा एंड पूरे बेथलहम में बस आप लोगों को ये वॉल की तरफ ही इजरायली सोल्जर्स देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो वॉल है ये पूरा अभी वेस्ट बैंक की तरफ ये लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, तो लिटरल जितना भी वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक का मैप दिखा दूंगा आप लोगों को मैं। एंड ये सारे वेस्ट बैंक के पास ये वाला वॉल बना रहे हैं। यहाँ पे भी देख सकते हो यहाँ पे भी आई थिंक कुछ तो हादसा हुआ होगा, यहाँ पे पूरा काला काला देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पे भी कुछ आग वगैरह लगी होगी, देख के तो ऐसा ही लग रहा है। यहाँ का पूरा माहौल देख सकते हो आप लोग यार, एक अलग सा एकदम काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर प्लेस या फिर अबैंडन्ड प्लेस जैसी वाइब आ रही है यहाँ पे। गाइस तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वॉल आर्ट देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इतना बढ़िया वॉल आर्ट यार क्या बताऊँ मैं यहाँ पे। ये एक्चुअली यहाँ पे डिपेंड करता है कि अगर यहाँ पे वॉल नहीं हुआ होता तो कैसा पूरा व्यू आया होता। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक्चुअली कितना रियल लग रहा है राइट ये देखने में यहाँ से गुफरों में, बट एक्चुअली ये वॉल है और वॉल में आर्ट किया गया है यहाँ पे। कितना बढ़िया एक फ़ोटोज के लिए रखा गया है एंड दिस इज़ हाउ द वॉल हैज़ बीन क्रिएटेड। यार इतना बढ़िया व्यू था जो अभी ये वॉल की वजह से ब्लॉक हो चुका है। एंड हर जगह आप लोग यहाँ पे भाई प्रो फलस्तीनियन फोर्ट देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे मेरी एक लोकल से बात हो रही थी, उसने बताया कि ये वॉल 780 किलोमीटर तक भाई चलता है, ये पूरा वेस्ट बैंक में यार 780 किलोमीटर यार। ओ माई गॉड क्या करते हैं यार लोग, यार क्या करते हैं यार ये समझ नहीं आता मेरे को। एंड वॉल के ऊपर यार उन्होंने जाली भी लगाई हुई है, देख लो भाई कौन चढ़ेगा भाई इतना बड़ा वॉल पता नहीं यार। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो गाइस ये है यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरफ है सिटी सेंटर की तरफ और इस तरफ है बीच जला की तरफ। ये बीच जला जो है जो वॉल मैंने आपको दिखाया है वॉल के उस तरफ का एरिया पूरा बीच जला का है एंड वहाँ पे मेजोरिटी कुछ 80% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस है। अगेन वो वाला पार्ट पूरा एक्चुअली पूरा बेथलहम का पार्ट ही था पहले, बट वॉल बनने के बाद वो जो एरिया है वो अलग हो गया एंड ये वाला जो एरिया है वो अलग हो गया। एंड ये फलस्तीनियन ये वाले एरिया का सबसे यूनिक चीज़ क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे जगह पे आप लोग को अल्कोहल बियर और ये सारे शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगे ओपनली बिकते हुए। एंड मैंने काफ़ी सारे लास्ट वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पे पॉर्क की शॉप भी आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएगा। सलाम तो ये आ गए भाई हम लोग यहाँ पे ओल्ड सुख
के तरफ बेथलहम में। यहाँ पे पूरे फलस्तीन एंड इसराइल के सबसे बेस्ट पार्ट आएगा। इसमें कोई इतना बढ़िया ये कंट्री इसलिए लगाई क्योंकि यार यहाँ पे आप कहीं पर भी जाओ घूमना इतना आसान है क्योंकि कंट्री इतनी छोटी है एंड कहीं पर भी आपको घूमना है तो आप बस ऐसे वॉकिंग टूर ही ले लोगे। कुछ एक घंटा वॉक करोगे एक डेढ़ घंटा तो आप आराम से पूरा शहर जितना भी सिटी है वो सारा एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मैं बस जैसे निकला हूँ जैसे हमारे जो होस्ट ने मेरे को ड्रॉप किया था कार से वहाँ से ड्रॉप करने के बाद बस मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ एंड काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे करने को। सलाम तो आप लोग ऐसे ही वॉक करोगे एंड ये बस बेथलहम की बात नहीं है आप अगर जेरूसलम में हो हेब्रोन में हो कहीं पर भी हो तो वॉक करो और आप लोग को सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को ये छोटे छोटे कंट्रीज़ की जैसे ये इसराइल हो गया रुवांडा युगांडा ये सारे कंट्रीज में यार घूमना काफ़ी आसान होता है। अरे वाह भाई क्या कार है यार क्या बात है पुरानी वाली BMW है शायद। अरे भाई साहब यहाँ पे भाई ये चीज़ है भाई अगर आप क्रॉस कर रहे हो ना भाई हाई ना, हाई ना। सलाम, सलाम सलाम तो यहाँ पे भाई क्रॉस करते टाइम गाड़ी वाले रोक देते हैं यार और आप फिर क्रॉस करो उसके बाद फिर। अरे भाई साहब ये दुकान देखो यार आप लोग दरवाजे देखो यार ये ऑथेंटिक फलस्तीनियन दरवाजे जो दुकान के दरवाजे हैं ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। हेब्रोन में भी देखा था ऐसे यार ओल्ड ओल्ड किस्म के और जैसे आप जेरूसलम में जाओगे आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे यार पूरा मॉडर्न हो चुका है। तो यहाँ पर भाई एक टेलर की दुकान लिखा हुआ है यहाँ पे सिंस 1957 तो 1957 से भाई हमारा पूरा शॉप चला रहे हैं लोग एंड कुछ अराउंड बोल सकते हो कितना कुछ अराउंड 50 से 60 साल पुरानी दुकान एंड आप लोग माहौल देख के समझ सकते हो ये यार 50 साल पुरानी है ये काफ़ी 100-200 साल पुरानी उससे भी ज़्यादा बोल सकता हूँ आप लोग जितना मैं शायद इमेजिन भी नहीं कर सकता। एंड यहाँ पे अगेन ये स्टार्ट हो गया चर्च ऑफ नेविटी का एंट्रेंस एंड आप लोगों को हर जगह यहाँ पे ग्रुप्स देखने को मिल जाएगा। चलो यार यहाँ पे कुछ शवरमा खा लेते हैं क्योंकि अभी रमजान ख़त्म हो चुका है तो अभी मैं भाई खुल के खा सकता हूँ जो भी मुझे खाना है। खा तो मैं पहले भी सकता था बट पहले मैं नहीं खाया करता था मुस्लिम एरियाज में क्योंकि यार फिर लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकती है। जेरूसलम में ज़रूर खाया था मैं बट अभी मुस्लिम एरिया में भी खा सकते हैं। सलाम हाउ मच इज़ वन शवरमा Roll, yes, yes. 15 shekels. And bread? Bread's 14 shekels. Okay. Shawarma chicken, yeah? Yeah. Chicken, yeah? Yeah. I sit here? Sit here? Yeah. You can sit inside. Inside? Okay, you bring the shawarma? Yeah. Okay, thank you. अरे भाई साहब ये शवरमा की दुकान देखो यार अरे बाप रे बाप ये देख लो भाई क्या जगह है। तो भाई यहाँ पे फलस्तीन में मैंने शवरमा लिया एक बड़ा शवरमा 15 शेकल का जो कि अगर मैं कंपेयर करूँ जेरूसलम में मैंने शवरमा खाया था आप लोगों ने बताया भी था कुछ अराउंड मैंने 48 शेकल पे करे थे भाई आई थिंक 50 शेकल पे करे थे 50 शेकल कुछ 1200 रुपये या 1300 रुपये हो जाता है एंड कहाँ 15 शेकल और कहाँ 50 शेकल ये डिफरेंस है भाई आप लोगों को फलस्तीनियन टेरिटरी में और इसराइली जगह पे आप घूमोगे। तो गाइस जहाँ पे शुरू किया था वहाँ पे फिर से हम लोग फाइनली आ गए कुछ अराउंड 2-3 घंटे की वॉकिंग टूर थी कुछ अराउंड बोल सकते हो पता नहीं कितना वॉक करा यार मैंने काफ़ी ज़्यादा वॉक कर लिया। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे यार हेब्रोन में सॉरी प्रॉब्लम ये कि यहाँ पे बेथलहम में ये जो प्लेस है ये ऊपर नीचे काफ़ी है तो काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है कभी नीचे चढ़ना पड़ता है एंड चर्च ऑफ नेविटी है काफ़ी ऊपर है एंड जहाँ बीच सुहूर जहाँ रहता हूँ काफ़ी नीचे की तरफ। सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस कैसा लगा आप लोगों को वीडियो कॉमेंट्स में जरूर बताना एंड लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट बेथलहम एंड प्रोबेबली द वॉल बिटवीन इसराइल एंड फलस्तीन। नेक्स्ट मैं यहाँ से निकल रहा हूँ जेरूसलम के लिए अगेन आधे घंटे की जर्नी एंड जेरूसलम के बाद मैं आगे दूसरे जगह पे जाऊंगा वेस्ट बैंक में। एंड ऑल्सो गाइस मैंने चैनल में एक नया मेंबरशिप शुरू किया है जहां पर आप लोग मेरे सब्सक्राइब बटन के बगल में एक ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हो एंड प्रोबेबली वहां पे हम लोग मंथली वंस एक लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड आप लोग के जितने भी पर्सनल क्वारीज है जितने भी पर्सनल डाउट्स हैं वो हम लोग लाइव स्ट्रीम में डिस्कस करते हैं एंड ओवरऑल मेरे जितने भी ट्रैवल स्टोरीज हैं वो आप लोग को उसमें पता चल जाती है। तो अगर आप लोग को मेंबर बनना है एंड प्रोबेबली अगर मेरे ट्रैवल्स को किसी भी वे में हेल्प करना है तो आप लोग ज़रूर वो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो। यस सलाम तो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस वीडियो का अगर वीडियो पसंद आया इसको लाइक करना कमेंट करना व्यूज कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड शेयर करना का चैनल खुश रहिए अपने आसपास के लोगों को खुश करिए एंड आई विल मीट नेक्स्ट वीडियो।